बहुत बड़ा फैसला है, और ये बड़ा फैसला लेने से पहले बहुत जरूरी है कि आप एक बड़ा सच जान लें। आप लोगों को जान लेना बहुत जरूरी है कि आनिया क्या कहना चाहती है आपसे। बोलो सच क्या। आनिया की होलो, जमाई राजा कौन से सच की बात कर रहे हैं? कौन सा सच सबके सामने आना चाहिए बोलो। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ Z5 पर। अभी Z5 ऐप डाउनलोड करें। और दिस वन कृतिका, तुम्हें कहीं से जलने की स्मेल नहीं आ रही? हाँ डैड, शायद नीचे से तो नहीं आ रही। हिम्मत कैसे हुई फिर से आने की? रोशनी तुम हमारी जिंदगी में कभी नहीं आ सकती, समझी तुम? ओह गॉड, सिमी जी, सिमी जी, सिमी जी, ओह गॉड, क्या कर रही हैं आप? क्यों कर रही हैं सब? हुआ क्या है? हुआ क्या है? आप मुझसे पूछ रहे हुआ क्या है? प्लीज राजी, आप बीच में ना पड़े तो ही अच्छा है। पर आपको तो पता था ना कि रोशनी फिर से आ गई है सिर्फ की जिंदगी में, पर आपने ये बात मुझसे छुपाई? आपको क्या लगा था कि मुझे कुछ नहीं पता चलेगा? मुझे सब कुछ पता चल गया है। वो लड़की फिर से मेरी जिंदगी में और मेरे बेटे की जिंदगी में कभी नहीं आ सकती है। मर्सी आई हमारे और सिड की जिंदगी से चली गई, और अब उसने देखा कि सिड खुश है, आगे बढ़ रहा अपनी जिंदगी में, तो फिर से अपनी मर्जी से वापस आ गई उसकी जिंदगी में। ये बेकार की सिंपथी दिखाने की कोशिश मत करो। ये मत सोचना कि तुम जैसा मर्जी बर्ताव आने के साथ करोगे और मैं चुपचाप देखता रहूंगा। आने का दादा उससे नाराज जरूर है, लेकिन आज भी आने से उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था। नील, मुझे एक बार अपनी बात कहने का मौका दो। तुम समझ नहीं रहे। मैं गलत समझ रहा हूं? मैं ही हूं जो सब समझ रहा हूं और सब साफ साफ देख भी रहा हूं। जिस दिन से आन्या ने तुमसे शादी की है वो खुश नहीं। बहुत कोशिश करती है वो हम सबसे छुपाने की, लेकिन मुझे दिख रहा है, दिखता है क्या हालत कर दिया तुमने उसकी। नील, बेटा की बोल छो? जमाई राजा से ऐसे कोई बात करता है क्या? तुम ही किछु जानो ना माँ, लेकिन मैं इस सिड खुराना को अच्छी तरह से जानता हूं। पहले तो आन्या को घर से भगाकर शादी की और फिर उसे यहां लाकर डम कर दिया। कोई इरादा नहीं है इसका उसे साथ ले जाने का, हिम्मत ही नहीं है। और अब ये उसे यहां भी परेशान कर रहा है, चैन से जीने नहीं दे रहा मेरी बहन को। हो गई बकवास, या और भी कुछ कहना बाकी है? ये मेरी शराफत है कि मैं सर झुका के सबकी बात सुन रहा हूं? मुझे भी और बातें सुनने का मन नहीं है। एनोनिल, क्या ही? गेस्ट लिस्ट शाम की पार्टी के लिए इनवाइट भेज देना। वी डोंट हैव टाइम, ओके? डोंट फॉरगेट। मोदी, डेकोरेटर्स आ गए। लेके ऑन द मॉम,
मॉम, आनिया की तबीयत इतनी खराब है और आप लोग इस पार्टी के चक्कर में पड़े हो। नील, चिंता करो ना, मुझे तो हमेशा कहते रहते हो माँ पैनिक मत हो। अब खुद क्या कर रहे हो? डोंट वरी, डॉक्टर ने कहा ना शुड बी ऑल राइट। हाँ नहीं मॉम, कुछ प्रॉब्लम तो जरूर है। ठीक है। माँ क्या हो लो? यू हैव टू बी केयरफुल बेटा, इस घर में जब भी पैर रखो तुम्हारे कदम लड़खड़ाने नहीं चाहिए। ये सब ये शाम की पार्टी के लिए, तुम्हारी और नील की एंगेजमेंट पार्टी। I want to show you something. Come. बेटा, ये अंगूठी 3 जनरेशन से हमारे घर की बहुएं पहनती आ रही हैं। And I'm very happy कि अब ये अंगूठी तुम पहनोगी। I'm very happy. Very happy. Let me try. ये क्या? अरे बाबा, रिंग फिंगर में बैंडेड, अब अंगूठी कैसे पहनेगी? की शोरबुनास। सॉरी आंटी, आई गॉट हर्ट तो मुझे बैंडेड लगानी पड़ी। लेकिन रिंग तो लेफ्ट हैंड में ही पहनते हैं, वरना अपशगुन होता है। चुप थाको मितुल, कोई बात नहीं बेटा, अंगूठी राइट हैंड में पहनो या लेफ्ट हैंड में, ये तो बस विश्वास की बात है। डोंट वरी। अच्छा जामाई बाबू को था, आनिया से मिलने भी नहीं आई, हमको तो एकदम ठीक नहीं लग रहा है। अच्छा रागिनी, तुमको पता है जामाई बाबू को था? मितुल, आर यू ओके? अरे रागिनी को कैसे पता होगा कि जमाई राजा कहाँ है? जाओ बाहर जाकर देखो डेकोरेशन ठीक से हो रहा है कि नहीं। जाओ। और उसकी फैमिली अचानक मुंबई शिफ्ट हो गई है, कुछ इमरजेंसी थी। इमरजेंसी? अगर वो लोग इतनी इमरजेंसी में निकले हैं तो आई एम श्योर उन्होंने फ्लाइट ली होगी। एयरपोर्ट पे मेरे कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, आई विल ट्राई एंड फाइंड आउट। गुड मॉर्निंग मिस्टर खुराना, हाउ कैन आई हेल्प यू? देखिए मुझे एक पैसेंजर की डिटेल्स चाहिए अर्जेंटली, कैन यू हेल्प मी आउट प्लीज? सर आप तो जानते ही हैं कि हम किसी भी कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन ऐसे शेयर नहीं कर सकते। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है, सो आई एम रियली रिक्वेस्टिंग यू। ओके सर, मैं ट्राई करता हूँ लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता। क्या नाम है उनका? आरव नाम है उसका। देखिए दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इट्स अ यूनिक नेम, आपको इसके बारे में पता करने में ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ओके मैं ट्राई करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई, मतलब ये तो कमाल ही हो गया, इतने टाइम से हम उसे दिल्ली में ढूंढ रहे हैं, वो हमें यही मुंबई में मिल गया। एक सेकंड। हेलो, या रियली प्राइवेट चार्टर, मेडिकल इमरजेंसी, कहाँ, कौन सा हॉस्पिटल? सिटी हॉस्पिटल। किसी भी तरह मुझे आरव को आनिया तक पहुंचाना होगा, रोशनी को वापस पाने का यही एक तरीका है। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ Zee5 पर। अभी Zee5 ऐप डाउनलोड करें।